सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की जयंती उपलक्ष में आज शहर में बड़े धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई, जो आकर्षण का केंद्र रही। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा से निकली शोभा यात्रा में समाज बांधव बड़ी संख्या में शामिल हुए। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु थे। इनके जन्म दिवस को गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी ने पूरे देश को एकता और भाईचारा स्थापित करने का संदेश दिया है। इस दिन को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गुरु नानक जयंती के अवसर पर शहर में शानदार शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई, जो कि आकर्षण का केंद्र रही। इस शोभा यात्रा में सिख बांधव बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। इस दौरान पंच प्यारे आगे आगे चले। शोभा यात्रा के दौरान टैंकर से सड़कों पर पानी छिड़क कर सड़क को साफ किया गया। शोभा यात्रा के दौरान हैरतअंगेज करतब दिखाए गए, चक्र घुमाना, तलवारबाजी आदि प्रदर्शन किया गया। शोभा यात्रा गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा से निकाली गई। शहर के मुख्य मार्ग से गुजरती शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। गिरनार चौक में तिवारी परिवार, गांधी चौक में विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस और यंग चांदा ब्रिगेड की ओर से विधायक किशोर जोर के बाद लोकमान्य तिलक विद्यालय के पास भाजपा पदाधिकारी, जटपुरा गेट परिसर में जय दुर्गा माँ शक्ति पीठ, गणराज्य ट्रांसपोर्ट एवं जय दुर्गा माँ ट्रांसपोर्ट तथा होटल सिद्धार्थ प्रीमियम एवं होटल सिद्धार्थ के पास सरोजा परिवार की ओर से बड़े ही धूमधाम से शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। शोभा यात्रा दौरान शहर के विभिन्न सामाजिक संगठन, राजकीय पक्ष तथा प्रतिष्ठित नागरिकों की ओर से भी जमकर स्वागत किया गया। इसमें शीत पेय और नाश्ते का प्रबंध भी किया गया था। रोक के रोक के रोक चला जा पैदल पीछे।